आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCS प्रशांत और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के बारे में। हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों भारतीय वायुसेना प्रमुख को अचानक LCS प्रचंड का इतना ज्यादा भरोसा है। आखिरकार क्यों भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कह दिया कि अब कोई भी विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्या वाकई ये हेलीकॉप्टर हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इनकी हमें इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? क्या ये हमारे लिए वाकई एक गेम चेंजर प्लेटफॉर्म है? तो आइए इन्हीं सारे विषयों को डिस्कस करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा कैपेबल है और इसने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव भी किया है। अगर हम अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत की बात करें तो वर्ष 1999 का कारगिल वॉर एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है और इस चीज को खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा बयान में उल्लेखित किया गया है कि वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना को अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत है वो सबसे ज्यादा महसूस हुई और उसके बाद जो LCS प्रचंड का डेवलपमेंट है उसको शुरू किया गया और तकरीबन 2 दशक के अथक परिश्रम के बाद ये जो हेलीकॉप्टर है अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। इसको बनाने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी सारी एक्सपर्टीज को झोंक दिया है और उसका ये एक जीता जागता प्रमाण है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर फ्लीट की बात करें तो इस समय इंडियन एयरफोर्स 22 की संख्या में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है। इसके अलावा जो Mi-35 हेलीकॉप्टर हैं ये भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। रुद्र हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए जाते हैं और भी दो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस समय भारतीय वायुसेना के द्वारा कंसीडर किए जा रहे हैं जो कि इंडिजिनस हैं। उनमें सबसे प्रमुख नाम है जो LCS प्रचंड है उसका। आपको पता ही होगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में 30 नवंबर को 156 की संख्या में जो LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर हैं इनकी खरीद को मंजूरी मिली है। इसमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थलसेना के लिए हैं और 66 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पर दिए गए हैं और ये हेलीकॉप्टर एक गेम चेंजर हेलीकॉप्टर है ऐसा भारतीय वायुसेना प्रमुख का कहना है। अगर हम LCS प्रचंड के रोल की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर बेसिकली क्लोज एयर सपोर्ट, एंटी टैंक वॉरफेयर, आर्म रिकॉनसेंस और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें तो यहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार भारतीय वायुसेना प्रमुख ने मीडिया के सामने आकर की इतनी तारीफ LCS प्रचंड की क्यों करी है। LCS प्रचंड एक 5.8 टन क्लास का स्टेट ऑफ द आर्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें एक नैरो फ्यूजलाज को फीचर किया गया है। इसमें टैंडम सीटिंग दी गई है पायलट और को पायलट के लिए। ये मशीन इस प्रकार से डिजाइन करी गई है कि इसके विजुअल, ऑरल, रेडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर को रिड्यूस किया जा सके। इसमें एक क्रैश वर्दी लैंडिंग गियर इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसकी सर्वाइबिलिटी को काफी ज्यादा इन्हांस कर देता है। LCS प्रचंड को पावर करने के लिए 2 शक्ति इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर की जो मैक्सिमम स्पीड है ये 268 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी रेंज 750 किलोमीटर की है। ऑपरेशनल सीलिंग की बात करें तो वो 6.5 किलोमीटर की है और इसकी जो होवरिंग सीलिंग है वो 4 किलोमीटर की है। इसका जो एंड्योरेंस टाइम है ये तकरीबन 4 घंटों से भी ज्यादा का है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बेसिकली अपने क्लास में बेस्ट मनोवरबिलिटी को फीचर करता है। इसकी जो रेंज है वो भी काफी इम्प्रेसिव है। सबसे बड़ी चीज जो कि इसको अपने कैटेगरी के दूसरे हेलीकॉप्टर से अलग करती है वो है इसकी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस और इसके अलावा ये किसी भी प्रकार के वेदर में ऑपरेट कर सकता है, चाहे दिन हो या रात हो उसमें ये ऑपरेट कर सकता है। किसी भी प्रकार के टेरेन में इसको ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि हर प्रकार से भारत की जितनी भी कंडीशंस हैं ये हेलीकॉप्टर काफी आराम के साथ वहां पर ऑपरेट किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की कैपेबिलिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि LCS प्रोजेक्ट के जो लीड पायलट हैं ग्रुप कैप्टन हरि नायर सर, उन्होंने अपने एक मीडिया वक्तव्य के दौरान ये कहा था कि LCS प्रचंड एक फास्ट और एजाइल मशीन है और जिस एल्टीट्यूड पर, जिस ऊंचाई पर यह ऑपरेट करता है, जिस वेदर कंडीशन में यह ऑपरेट करता है, इस कैटेगरी के दूसरे हेलीकॉप्टर्स के लिए वहां पर ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि लद्दाख सेक्टर में खासकर सर्दियों के मौसम में जहां पर पायलट काफी ज्यादा एयर टर्बुलेंस को विटनेस करते हैं वहां पर भी इस हेलीकॉप्टर की जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्टेबल है और हाई विंड स्पीड पे भी ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा स्टेबल होता है। दरअसल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बेसिकली 5000 मीटर के एल्टीट्यूड तक ऑपरेट कर सकता है काफी आराम के साथ। वहीं अपने फुल वेपनरी के साथ इस एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करना किसी भी हेलीकॉप्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ भी कर सकता है और फुल वेपन पेलोड के साथ 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट करना इसे अपने कैटेगरी के दूसरे हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा अलग बना देता है।
इसमें और बहुत सारे जो यूनिक फीचर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि भारतीय वायुसेना और थल सेना को दोनों को ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो कि न सिर्फ अटैक मिशन में इस्तेमाल किया जा सके बल्कि इससे जो रिकॉनसेंस मिशन है, क्लोज एयर सपोर्ट है, वो भी प्रदान कर सके वो हेलीकॉप्टर। तो ये सारा काम एसएस प्रचंड काफी आराम के साथ करता है। अब आइए बात कर लेते हैं एसएस प्रचंड के वेपन और स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बारे में। दोस्तों, एक तरफ जहां LCS काफी एडवांस हेलीकॉप्टर है तो इसकी जो स्लो स्पीड परफॉर्मेंस है लोअर फ्लाइट एल्टीट्यूड में वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। ये हेलीकॉप्टर एक्सट्रीमली मैनोवरेबल है और यही कारण है कि एनिमी के एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके जो टैंक रेजिमेंट है, टैंक कॉलम्स है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत इसका इस्तेमाल काफी आसानी के साथ कर सकता है। इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को भी एंगेज कर सकता है। इसके अलावा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। अब अगर हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के टोटल वेपन पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो वो 920 किलोग्राम की है, जहां पर इसे अलग अलग प्रकार के जो वेपन सिस्टम है उनसे इक्विप किया जा सकता है, जिसमें क्रमशः एयर टू एयर मिसाइल शामिल है, 70 mm के रॉकेट शामिल है और इसमें एक 20 mm की टर्रेट गन भी यूज की जाती है। इसके अलावा ये अपने साथ 250 किलोग्राम के जो बॉम्ब्स हैं उनको भी कैरी करने में सक्षम है। एलसीएस प्रचंड को टैंक बस्टर का नाम भी दिया गया है। उसके पीछे की वजह ये है कि इसमें आने वाले भविष्य में या मौजूदा समय में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो इंटीग्रेट की जा रही है। दरअसल इसकी जो एंटी टैंक कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है और इसको इन्हेंस करने के लिए इसमें ध्रुवास्त्र का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक वेरियंट है और ये टारगेट को 500 meters से लेकर के 7 kilometers की दूरी तक आराम से हिट कर सकती है और इसके इंटीग्रेशन के बाद एलसीएस प्रचंड की जो लिथालिटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम मौजूदा स्टैंड ऑफ रेंज की बात करें एलसीएस प्रचंड की तो वो 4 to 6 kilometers की है ग्राउंड अटैक में। वहीं ये जो रेंज है ये बेसिकली FZ-275LGR यानी लेजर गाइडेड रॉकेट वेपन सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका निर्माण थेल्स के द्वारा किया जाता है और ये जो सिस्टम है ये दोनों प्रकार के रॉकेट यानी गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है ये मैक्सिमम 4 रॉकेट लॉन्चर्स को कैरी कर सकता है, यानी प्रत्येक साइड लेफ्ट और राइट दो दो लॉन्चर्स को ये यूज कर सकता है और प्रत्येक पॉड में तकरीबन 12 रॉकेट्स होते हैं, यानी इन टोटल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 48 रॉकेट को लेकर के उड़ान भर सकता है। और इसकी जो इफेक्टिव रेंज है अनमैनेड व्हीकल और दूसरे जो एरियल टारगेट हैं जो कि लोअर स्पीड पे उड़ते हैं वो भी काफी अच्छी है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि मूविंग एरियल टारगेट को हिट कर सकती हैं और माना जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये काफी कैपेबल भी है। यहाँ पर LCH को मिस्ट्रल 2 जो कि MBDA के द्वारा बनाई जाती है उससे इक्विप किया गया है, जिसकी जो इंटरसेप्शन रेंज है वो 6.5 kilometers की है एयरबोर्न थ्रेट्स के लिए। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, एवियोनिक्स की बात करें तो इसको सभी स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर, एवियोनिक्स और दूसरे सिस्टम से इक्विप किया गया है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कई वीडियोस में बात करी है। तो आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।